सवाल नंबर 27, मूली के साथ क्या खाना चाहे जैसा बन जाता है? जैसे नंबर 1, सलाद बनाने में खीरा और मूली का सेवन एक साथ नहीं करना चाहिए। खीरे में मौजूद गुण विटामिन सी को ऑब्जर्व करता है, यही कारण है कि खीरा और मूली को एक साथ नहीं खाना चाहिए। नंबर 2, कभी भूल कर भी करेला और मूली का सेवन एक साथ नहीं करना चाहिए। मूली और करेले के पोषक तत्व एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, जिससे हमारी सेहत बिगड़ सकती है। अगर आप इनका एक साथ सेवन करते हैं तो सांस लेने की समस्या और दिल से संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 3, दूध और मूली को एक साथ लेने से आपका पाचन तंत्र खराब हो सकता है। इनके एक साथ सेवन से सीने में जलन और पेट में दर्द की समस्या बढ़ जाती है। अगर आप मूली और दूध का सेवन करना चाहता है तो कम से कम 1 से 2 घंटे का गैप जरूर रखें। नंबर 4, मूली और संतरे के गुण एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है, जो जहर का रूप ले सकता है। इनके सेवन से न आपको पेट की समस्या हो सकती है, बल्कि सेहत से जुड़ी कई अन्य समस्याएं भी खड़ी हो जाती है।